जनता धर्म की ओर करवट बदली है, करवट अभी खड़ी हुई नहीं, खड़ी तो उसी दिन होगी 30 अक्टूबर को, उस नए इतिहास के निर्माण करने में बम्बई से ज्यादा धर्म प्रेमी आए, एक नया इतिहास रचे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते, अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? यह मामला ऐसा है जिसका समय पर सही निर्णय ले लेना चाहिए। मेरे साथ एक बार बड़े जोर से कहिए, सियावर रामचंद्र की। शिकन कोई कहीं से भी न आने पाए, हमने कुछ बुत अभी सीने में छिपा रखे हैं, अपनी यादों में बसा रखे हैं। बुत शिकन कोई कहीं से भी न आने पाए, हमने कुछ बुत अभी सीने में छिपा रखे हैं, अपनी यादों में बसा रखे हैं। पथराव करो दीवानों के, जहां हमने सनम अपने छिपा रखे हैं, वहीं गजनी के खुदा रखे हैं। बुत जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, अपने उजड़े हुए सीने में सजा लेंगे उन्हें। खुदा टूटेगा हम तो न बना पाएंगे, उसके बिखरे हुए टुकड़े न उठा पाएंगे, तुम उठा लो तो उठा लो शायद, तुम बना लो शायद। बनाओ तो खुदा जाने बनाओ कैसा, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी, प्यार होगा ना जमाने में मोहब्बत होगी, दुश्मनी होगी अदावत होगी, हमसे उसकी न इबादत होगी।
दहशते बुत शिकनी देख के हैरान हूँ मैं। बुत परस्ती मेरा शेवा है के इंसान हूँ मैं। एक न एक बुत तो हर एक दिल में छिपा होता है। उसके सौ नामों में एक नाम खुदा होता है। उसके सौ नामों में एक नाम खुदा होता है। उसके सौ नामों में एक नाम खुदा होता है। तिरालीस साल के आजादी के बाद में भी महंगाई आज आसमान को छू रही है, बेकारी आज करोड़ों नवयुवकों की है, भूखमरी और गरीबी आधे से अधिक लोग आज भी उस लक्ष्मण रेखा के नीचे हैं। यहाँ पर निरक्षरता बीमारी चारों तरफ फैली हुई है, मगर मालूम होता है पिछले कुछ महीनों से कि मानो इस देश में इनमें से एक भी समस्या ऐसी है ही नहीं। एकमात्र समस्या अगर कोई है तो वो है मंदिर और मस्जिद की। बिरथ रघुबीरा के नाम पर एक रथ पर चढ़कर एक पक्ष के नेता उनका चुनाव चिन्ह कमल को लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराते हुए देश भर में रथ यात्रा कम करते हुए घूम रहे हैं, तो ये किस लिए घूम रहे हैं? बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए? अगला चुनाव अगर आवे तो 88 का 188 किस तरह किया जाए, इस बात पर सोचने के लिए? मैं ये कहता हूं कि उनके सारे ये रंगीन सपना चूर चूर होकर रह जाएंगे, क्योंकि इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं ने धर्मनिरपेक्षता को अपनाया है। अगर आज ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में है, इसका बहुत बड़ा श्रेय इस देश में बसने वाले 85% हिंदुओं को बेशक जाता है। लेकिन न महात्मा गांधी, न जवाहरलाल नेहरू, न फांसी के तख्त पर लटकने वाले हमारे वो सैकड़ों तमाम जो शहीद हुए, उनमें से एक ने हिंदू राष्ट्र के लिए अपनी जान नहीं दी, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। मगर ताज्जुब की बात है, हट है, मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं बनाएंगे और मस्जिद तोड़ करके ही बनाएंगे। इसमें राम की मर्यादा है, अयोध्या राम का जन्म स्थल है, माना। ये बात हिंदुओं का एक विश्वास, उनकी अस्मिता का सवाल है, इस बात को मैं मानता हूं। पर मैं ये कहता हूं कि मुझे कोई कह दे, अडवाणी जी या कोई और, कि अयोध्या का वो कौन सा चप्पा जमीन है कि जो राम की याद से पवित्र नहीं, ये मुझको वो कह दे। अयोध्या के कहीं भी जाकर के आप मंदिर बना लीजिए, हम में से हर किसी ने हजार बार इस बात को मंजूर किया कि मंदिर आप बनाएं, बेशक अयोध्या में बनाएं, बेशक भव्य बनाएं, मगर ये हट न करे कि मस्जिद टूटने पर ही वो मंदिर बनेगा, ये हट न करे। हम में से कोई लाल झंडे मानने वाले हो या कोई और भी हो, हम सब धर्मों की श्रद्धा करते हैं। एक धर्म की अस्मिता और अहंकार के नाम पर दूसरे धर्म की अस्मिता और आस्था आप तोड़ नहीं सकते, इस बात को ध्यान में रखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में सहिष्णुता है, असहिष्णुता भी है, मानवता भी है और जात पात की व्यवस्था भी है, और इसीलिए वर्षों से संत और महंतों ने अनेक प्रकार के सुधार लाने के प्रयत्न किए। जात पात व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, आज भी वो कायम पड़ा हुआ है। आज एक नया प्रयत्न चल रहा है कि इस देश के अंदर में जिनको प्रशासन से दूर रखकर कहा गया कि ये सिर्फ सेवा और चाकरी करने के सिर्फ इसी लायक हैं और किसी चीज के लायक नहीं हैं, आज एक प्रयत्न किया जा रहा है कि देश के कारोबार चलाने में उनको भी हाथ बटाने का मौका दिया जाए। लेकिन वही ताकतें जो हिंदू धर्म के अंदर
कठमुल्लापन कायम रखना चाहते हैं, झंडा लहराकर मस्जिदें गिराना चाहते हैं, वही लोग इस देश के अंदर में वर्णाश्रम और जात पात के नाम पर भी जो है तो आज कसमें खा रहे हैं और उसके प्रयत्न कर रहे हैं। इनके चेहरों को देख लो, इनको पहचान लो, इनकी मनोवृत्ति को समझ लो। और इसलिए मैं कहूंगा कि यहां पर ये सारी लड़ाइयां एक तरह से जुट गई हैं कि मस्जिद कायम रहेगी, मंदिर जरूर बनेगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।